हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज लव किचन में आप देखने वाले हो बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल छोले की रेसिपी। घर में चाहे कितना भी टेस्टी बना ले, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर के जो मार्केट से हम लोग खाते हैं उसका टेस्ट जुबान से उतारने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आज बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल बनाएंगे छोले, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, मार्केट स्टाइल छोला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो छोला ले लिया है और जिसे मैंने पूरे रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। यहाँ पे अभी देख सकते हो बिल्कुल नरम हो चुके हैं फूल के। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप गर्म पानी में 3 से 4 घंटा के लिए भी भिगो के रख सकते हो। अब इस छोले को मैं प्रेशर कुकर में दे के 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी और 4 सीटी आने तक, किसी कुकर में 5 सीटी भी लग सकते हैं, एकदम बॉयल कर लेना है। तब तक मसाला भी तैयार कर लेते हैं जब तक बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे लगभग 15 से 16 लहसुन के कलियाँ है और थोड़ा सा हरा मिर्चा भी डाल दिया है और 2 इंच यहाँ पे अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है और यहाँ पे डाल दे रही हूँ टमाटर। टमाटर यहाँ पे मीडियम साइज के 2 है, इस तरीके से चॉप कर लिया है। अब इस मसाले को हमें पेस्ट कर लेना है। मसाला पेस्ट करना यहाँ पे हो चुके हैं और उस तरफ से छोला भी बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने छोले एक बाउल में फिर से निकाल लिया है। आप देख सकते हो छोला कितने अच्छी तरीके से मैश हो रहे हैं और हमें इतने ही अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। इस छोला के साथ कुछ स्पेशल है, यहाँ पे मैंने ले लिया है 60 ग्राम मटन फैट, जो मटन के चर्बी होते हैं, और मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है। लेकिन आप मटन फैट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल ही स्किप भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा ब्राउन हो चुके हैं। अब इस टाइम मैं बड़े साइज का 2 प्याज इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। इस तरीके से तेल के साथ मिक्स करके हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सौते हो चुके हैं, इस टाइम मैं डाल दे रही हूँ मटन फैट। मटन फैट को डालते हुए हमें मिक्स कर लेना है और इस मटन फैट के साथ प्याज को भी फ्राई कर लेना है, जिससे कि मटन फैट में से भी हल्का सा ऑयल छोड़ने लगेंगे और अनियन भी फ्राई हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे 1-2 बार हमें चला लेना है। इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ 1 बड़े साइज आलू, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, प्याज, आलू और साथ में मटन जो फैट है, तीनों ही चीज़ एक साथ में फ्राई हो जाएंगे, टाइम का बहुत बचत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच और नमक बिल्कुल ही स्वाद अनुसार, लेकिन बस इतना भी ख्याल रखना है कि छोला जब भी हमने बॉयल किया था तो उसमें भी 1/2 टेबल स्पून नमक था। तो यहाँ पे हल्का सा फ्राई हो चुके हैं, तो इस टाइम मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक आलू थोड़ा सा कुक ना हो जाए और आलू सुनहरा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे सुनहरा कलर आ चुके हैं, तो मैंने मसाला डाल चुकी हूँ जो हमने पेस्ट बना लिया था, और अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर देना है। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डाल दे रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 पिंच तक यहाँ पे रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली से कलर बहुत ही अच्छा आते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर नहीं डालना है तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, तेल छोड़ दिया है मसाले ने और मसाला का कलर भी चेंज हो चुके हैं। तो मसाला के अब इस टाइम मसाले के अंदर मैं ऐड कर दे रही हूँ बॉयल किए हुए छोले। तो छोले तो बहुत ही कुक हो चुके हैं अच्छे से, लेकिन छोले के अंदर मसाला का फ्लेवर तो गया नहीं है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम में रखते हुए बार बार चलाते हुए हमें भून लेना है। तो हो चुके हैं भूनना, तो अब मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर पानी डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पानी देख के बहुत सारा लग रहा है, लेकिन इस पानी को हमें कुक करने के बाद कम कर लेना है, ग्रेवी को गाढ़ा कर लेना है, तभी जाके छोले के अंदर एकदम मसाला का टेस्ट भरपूर रहेंगे। तो अभी मैं ढक दे रही हूँ और फुल फ्लेम में रखते हुए ग्रेवी को गाढ़ा कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट तक यहाँ पे लग रहे हैं, तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। तो एक बार मैं ढक्कन उठा ले रही हूँ, एक बार स्पैचुला से चला के चेक कर लेते हैं ग्रेवी।
तो यहाँ पे अभी भी ग्रेवी हल्का सा पतला है, तो ग्रेवी को कैसे गाढ़ा कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेवी को हमें कम नहीं करना है। तो वो क्यों मैं आपको आगे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं छोला मसाला 1/2 चम्मच डाल दे रही हूँ। आपको अगर कोई भी गर्म मसाला पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। तो एक बार मिक्स कर चुकी हूँ और यहाँ से इस ग्रेवी में जो आलू है उससे मैंने 6 से 7 पीस आलू मैंने मैश करके इस ग्रेवी में डाल चुकी हूँ। तो इससे ग्रेवी हल्का सा गाढ़ा हो चुके हैं और मार्केट में भी इस तरीके से करते हैं, बहुत सारा मसाला नहीं रहते हैं लेकिन उन लोगों का ग्रेवी हल्का सा गाढ़ा रहते हैं। इससे ज़्यादा ग्रेवी हम इसीलिए नहीं कम करेंगे क्योंकि छोला जब ठंडा होता है तो ग्रेवी काफ़ी हद तक सोख कर लेते हैं और सूखा सूखा बन जाते हैं, तो इसी टाइम मैंने बिल्कुल ही ऑफ कर दिया है। तो अभी चलिए सर्व करते हैं। तो मार्केट वाले छोले हैं तो मार्केट स्टाइल में ही मैं सर्व कर दे रही हूँ। और इस तरीके से मार्केट स्टाइल सर्व कर देने से छोटे हो या फिर बड़े किसी का भी मुंह में पानी आ सकते हैं और मार्केट वाले छोले का याद भी नहीं आएंगे, बस बोलेंगे मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है घर पे ही छोला। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा खीरा और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती यहाँ पे गार्निश कर चुकी हूँ जैसे मार्केट में करते हैं, और थोड़ा सा हरा मिर्चा मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इस तरीके से डाल दिया है। और आखिरी में यहाँ पे नमकीन मैं डाल दे रही हूँ और साथ में छोटा सा एक मूँगफली भी है जिससे देखने में एकदम लाजवाब बन रहे हैं। आप इसमें इमली का पानी भी ऐड कर सकते हो आपको पसंद हो तो। तो देखिए मार्केट जैसा बनके तैयार हुआ ना आज का छोले का रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज का छोला की रेसिपी क्या मार्केट जैसे लग रहा है या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि जितना भी रेसिपीज़ मैं न्यू शेयर करूँ आपके साथ उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कोई यूनिक रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।